भगवा रंग पर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। भगवा रंग को अक्सर हिंदुत्व से जोड़कर देखा जाता है और हिंदुत्व को बीजेपी से, लेकिन इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया की पार्टी ने भगवा रंग को अपनी पहचान बताया है। महाराष्ट्र के मुंबई में विपक्षी गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की बैठक होने वाली है। इससे पहले एयरपोर्ट और मीटिंग वाली जगह के बाहर भगवा झंडे लगाए गए हैं। ये झंडे उद्धव ठाकरे गुट की ओर से लगाए गए हैं और कहा कि हिंदुत्व ही हमारी पहचान है। भारतीय कामगार सेना यूबीटी के सचिव संतोष कदम ने कहा, हिंदुत्व हर टाइम हमारे साथ है और हम लोग हिंदुत्व का ही कभी भी हम लोग हिंदुत्व के लिए जीते हैं। हिंदुत्व ही हमारा है, जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सब हिंदू है। वहीं तमाम विपक्षी नेताओं के स्वागत वाले पोस्टरों से मुंबई की सड़कें पटी पड़ी हैं। इस पोस्टर्स पर बोल्ड अक्षरों में जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत लिखा हुआ है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला सहित कई विपक्षी नेता शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।